पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत ने ओगरा की 12 रुपए की सिफारिश के बजाय 5.5 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। अवाम कहते हैं कि 5.5 रुपए का इजाफा भी बहुत ज्यादा है, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। गवर्नमेंट ने जो 5.5 रुपए बढ़ाया ये नाजायज किया है अवाम के साथ। वैसे ही ऑलरेडी महंगाई हुई हुई है, पेट्रोल पे भी अगर 5.5 बढ़ जाते हैं या और बढ़ जाते तो और अवाम के ऊपर महंगाई हो जाएगी। फिर जब तक मुल्क की हालत सुधरते सुधरते गरीब अवाम का तेल ही निकल आएगा। तब्दीली मतलब ये है कि वो पैसा जो ना मतलब बढ़ ही रहा है, जिस पे कम नहीं हो रहा है। पिसा हुआ तबका है सारा, और उनको चाहिए कि अगर 100 रुपए लीटर है तो कम से कम 50 रुपए लीटर करना चाहिए। हुकूमत चाहिए कि जो गरीब आवाम उनको रिलीफ फराम किया जाए, ना कि उसको मजीद जो महंगाई की चक्की है उसमें पिसने के लिए छोड़ दिया जाए। गाड़ियों को छोड़ो, मोटरसाइकिल पे भी घूमने की इस्तकामत नहीं रखते हैं। पेट्रोल से जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना महंगा होने की वो चांसेस ज्यादा है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को अगर हम इस गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर लेते तो उसमें तेल की कीमतें वगैरह जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि ये सब इसका कोई हल निकालें। मेरे ख्याल से तब्दीली अगर लानी है तो इसी चीज़ में गरीब को जो है वो फ़ायदा दे। आवाम को बड़ी उम्मीद थी कि तब्दीली आ रही है, ये खाक तब्दीली है जो लोगों के पहले जो हालात थे उससे भी बुरे हालात आ रहे हैं। कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, तेल की कीमत किस वजह से बढ़ाई जा रही है। लेकिन खान साहब जो कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन इन्हें आवाम की पहुंच के मुताबिक काम करना चाहिए।